ओके, तो आज हम करने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल, देयर इज अ प्रॉपर डेफिनेट सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. एनिमल सेल में किसी भी टाइप की सेल वॉल नहीं होती है. दैट इज अ मेन मेन डिफरेंस यू हैव टू रिमेम्बर. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सेल वॉल है ओनली प्लांट्स में होती है, एनिमल में नहीं होती है. क्योंकि प्लांट्स आर द पार्ट्स, प्लांट्स आर द ऑर्गेनिज्म जिन्होंने क्या रहना होता है, रिजिड रहना होता है, स्ट्रॉन्ग रहना होता है. नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इंटरनल टू द सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर होती है, बट एनिमल सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि बाहर सेल वॉल तो होती नहीं है, इसलिए बाउंड्री पे कौन है, सेल मेम्ब्रेन. इसमें कोई भी सेंट्रोसोम नहीं होता, ठीक है, और एनिमल्स में सेंट्रोसोम होता है. एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, सेंट्रोसोम होता है. प्लांट्स में सेल वॉल होती है, सेंट्रोसोम नहीं होता है. सेंट्रोसोम इज रिलेटेड टू वन मोर पार्ट दैट इज नोन एज सेंट्रियोल. जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होगा उसमें सेंट्रियोल भी नहीं होगा, ठीक है. सेंट्रोसोम के अंदर ही सेंट्रियोल फॉर्मेशन होती है, तो जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होगा उसमें सेंट्रियोल भी नहीं होगा. प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करनी होती है, फोटोसिंथेसिस करनी होती है. लेकिन एनिमल सेल में कोई भी काइंड के प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट होते. देयर आर एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड्स बिकॉज उन्होंने तो कुछ करना ही नहीं होता. प्लांट्स ने, एनिमल्स ने कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करनी होती, इसलिए नो प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है. अगर आपको और भी पॉइंट्स लिखने हैं, आप लोकोमोशन का पॉइंट लिख सकते हो, बट एल्गी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लोकोमोट कर सकते हैं, ठीक है. ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल्स. पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. पैसिव मतलब आलसी. आप पैसिव वॉइस करते हो ना, दैट इज लेजी. पैसिव लेजी. एक्टिव मतलब फास्ट. एक्टिव मतलब फास्ट. तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट आर टेकिंग प्लेस अक्रॉस द सेल, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दूसरा जो तीसरा टाइप है, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट. देखो, छोटे छोटे सामान ने अगर ट्रांसफर करना है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से कर सकते हैं. ज्यादा सामान अगर ट्रांसफर हो रहा है तो दैट इज नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट. एकदम से बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है. बल्क का मतलब लॉट ऑफ अमाउंट. बल्क मतलब लॉट ऑफ अमाउंट, ठीक है. अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास डिफ्यूजन है एंड ऑस्मोसिस है, दे आर काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेजी ट्रांसपोर्ट, ठीक है. सिंपल डिफ्यूजन हो सकती है या फैसिलेटेड डिफ्यूजन हो सकती है. जो सिंपल, जो परफ्यूम वाली और अगरबत्ती वाली आपने पढ़ी है ना, दैट इज अ सिंपल डिफ्यूजन. और जो फैसिलेटेड होती है सेल्स के अंदर. सेल्स के अंदर क्या होता है, सपोज करो मैंने खाना खाया, मेरे पेट के सेल्स के बाहर बहुत सारा खाना है और मेरे ब्लड के सेल्स के पास खाना नहीं है, तो क्या होगी, डिफ्यूजन हो जाएगी. डिफ्यूजन से खाना क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा. पर ये फैसिलेटेड डिफ्यूजन है. फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का बहुत ज्यादा फर्क है. कॉन्सेंट्रेशन का फर्क डाला जाता है हमारे सेल्स के अंदर ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ठीक है. ये चीज समझ आ गई, सिंपल और फैसिलेटेड डिफ्यूजन. आपको डेफिनेशन भी है प्रॉपर, तब भी समझ आ जाएगा. बट एक बार ये देख लो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स है, दे आर द सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी यूज होगी, इसलिए ये वाला ट्रांसपोर्ट हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं एक बार के लिए. एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी. बल्क ट्रांसपोर्ट के क्या टाइप्स हैं, पिनोसाइटोसिस मतलब पानी, सेल के अंदर पानी जा रहा है तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर कुछ भी और जा रहा है एक्सेप्ट वाटर, दैट इज एंडोसाइटोसिस. एंड एक्सोसाइटोसिस मतलब अगर सेल के बाहर कुछ भी जा रहा है तो दैट इज एक्सोसाइटोसिस, ठीक है. एंडोसाइटोसिस के फर्दर थ्री टाइप्स है, फेगोसाइटोसिस, फोटोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. ये सब आपको नहीं करना है. बस फेगोसाइटोसिस का मतलब देख लो. फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जैसे अमीबा है हमारा, अमीबा
अमीबा की ऐसी शेप होती है, वो किसी भी फूड मटेरियल को, सपोज करो मेरे पास ये वाला पर्पल कलर का फूड मटेरियल है, ठीक है, ये पर्पल कलर का मेरा फूड मटेरियल है, तो अमीबा उसको क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा एकदम से इनहेंस, जैसे हाथ में हम कोई चीज पकड़ते हैं ना, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का एक मेथड है फैगोसाइटोसिस की, सेल अपने अंदर कैसे ले रहा है चीज। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच एंड आयन और मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन मूव्स अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या मतलब है, सिंपल मतलब है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, मैं आपको लिखवा देती हूँ बहुत इजी तरीके में। नो एनर्जी इज यूज्ड, द सब्सटेंसेस सिंपली मूव ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन them, ठीक है। कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब भी यही बन रहा है, ये वाली डेफिनेशन कर लो, ठीक है। अगर आपको वो वाली करनी है तो वो वाली भी कर सकते हो, इट्स अपॉन यू। इसका मतलब यही है, जो दोनों डेफिनेशन है ना, दे आर सेम। एंड ये डेफिनेशन किसकी है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब लेजी ट्रांसपोर्ट, लेजी ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी एनर्जी हमारी यूज नहीं होती। नाउ सिंपल डिफ्यूजन, इन सिंपल डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सच एज परमीएसेस। सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी चीज है वो अंदर चली जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। देखो हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसपे ये लगा लो रेड कलर के प्रोटीन्स प्रेजेंट है, रेड कलर के दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं, ठीक है। अब देखो हमारी जो खिड़कियां हैं, खिड़कियां के बाहर हमने क्या लगा रखी है, आयरन की रॉड्स लगा रखी है स्क्वायर शेप में। उससे क्या है कि कोई भी बंदा, कोई भी ह्यूमन बीइंग अंदर बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मेरी विंडो खुली भी है तो वहां से कोई बिल्ली आ सकती है, कोई चूहा आ सकता है, लेकिन अंदर बाहर एक आदमी नहीं आ सकता। वैसे ही अगर मैं जो मेरी वायर्ड विंडो है, वायर मतलब जाली वाली विंडो है, अगर मैं वो बंद कर दूंगी, उससे तो एक चूहा भी अंदर नहीं आ सकता। क्या अंदर आ सकता है, ओनली एंट्स या मस्किटोज। मस्किटोज भी नहीं आ सकते, मस्किटो भी प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि वो वायर जो है इतनी ज्यादा छोटी होती है। अगर मैं वायर की जगह ग्लास भी बंद कर दूं तो क्या आ जाएगा, हवा का भी आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये परमिएसिस, परमिएसिस एक टाइप का क्या होता है, दरवाजा ही होता है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को अंदर आने देता है। वैसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट साइज के दरवाजे होते हैं, कि ये वाले प्रोटीन के लिए ये वाला दरवाजा है, ये वाले प्रोटीन के लिए ये वाला दरवाजा है, या कोई और चीज है उसके लिए कोई और दरवाजा है, ठीक है। मतलब साइज के अकॉर्डिंग हमारी सेल मेम्ब्रेन में दरवाजे बने हुए हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। आयन्स क्या होते हैं, आयन्स होते हैं बहुत छोटी चीजें होती हैं जो हम खाने में खाते हैं, वो हमारे साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, कैल्शियम भी क्या है, कैल्शियम एक आयन की फॉर्म में हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है। तो आयन्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, फूड का मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या करते हैं, हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कॉल्ड परमिएसिस। ओके, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप कहीं से भी याद कर लो, कहीं से भी याद कर लो, सही है, एनसीईआरटी से कर रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, चाहे यहां से कर रहे हो, सही है, सही होनी चाहिए, बस जहां मर्जी से याद कर लो। ऑस्मोसिस का मतलब है जहां पे पानी ज्यादा है वहां से पानी कम वाली साइड में ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू अ सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है ऑस्मोसिस हमेशा, ऑस्मोसिस हमेशा पानी की ही होती है। अगर सेल के अंदर पानी जा रहा है तो उसको बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस,
जैसे कि किशमिश, जिस एक्टिविटी में किशमिश हमारे स्वेल हो गए थे या एग हमारी स्वेल हो गई थी, दैट वाज एंडोऑस्मोसिस। जिस केस में पानी सेल के बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, जिस केस में हमारे किशमिश श्रिंक कर गए थे उसको हम क्या बोलते थे, एक्सोऑस्मोसिस। तो आप अपना होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिखवा देती हूं मैं आपको। जितने भी आपके सेल्फ स्टडी के अंदर डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ओके, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जो भी मैंने आपको करवाई है, जो भी ये डेफिनेशंस है ना, ये सारी डेफिनेशंस याद करनी है। कौन कौन सी डेफिनेशंस? पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। एक तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के डिफरेंस वाला क्वेश्चन लिखना है, इसमें जितने भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में से वो लिखो, एंड ये ट्रांसपोर्ट वाला।